और कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। सरकार सरकारी मेहमानों को भाई तो खतर तवज्जा ही होगी। हाँ तो सरकारी मेहमान तो ही हो, इसीलिए गिरफ्तारी। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है और वो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों द्वारा हुआ। अब ऐसे में यहाँ उद्घाटन तो हो गया है, लेकिन इसी बीच अभी भी यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि महिला पहलवान खिलाड़ियों ने 28 मई की तारीख तय की थी कि वो नए संसद भवन की तरफ जाएंगे और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे ये तमाम खुलासे करते हुए दिखाई देंगे। अब ऐसे में आपको बता दें कि वो दिन आज आ गया है। यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ी का जत्था नए संसद भवन की ओर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर आप देखेंगे कि महिला पहलवान खिलाड़ी अकेले नहीं जा रहे। यहाँ पर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक अकेले नहीं जा रहे। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत बड़ा हुजूम है और उस हुजूम के साथ यहाँ पर राकेश टिकैत भी मौजूद है। राकेश टिकैत वही है जब किसान आंदोलन के वक्त पर उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया था और उसके वक्त वहाँ पर इंसाफ हुआ था। इंसाफ के वक्त वहां पर राकेश टिकैत के आंसू साफ तौर पर दिखाई दिए थे, ठीक उसी तरह से यहां भी राकेश टिकैत दंगे की चोट पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि आज की तारीख में उन्हें इंसाफ मिलकर रहेगा, क्योंकि यहां पर नए संसद भवन का घेराव वो करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ कह रहे राकेश टिकैत इस मुद्दे को लेकर, देखिए इस रिपोर्ट में। भाई वो तो विपक्ष सर्वे जाने पॉलिटिकल आदमी, हम तो जो पहलवान है उनका धरना चला हुआ है, उस धरने के समर्थन में कल महिला की कॉल दिए कि महिलाएं के साथ में जो जत्थे जाएंगे वे पार्लियामेंट पर जाएंगे प्रदर्शन करने, ये हमारी कॉल है। और अब हमने ये कहा कि जब इन्होंने पूरे बॉर्डरों को सील करा ये पता चला, तो हम अलग अलग जगह दिल्ली के चारों तरफ को जहां जहां पे भी धरने चले हुए थे उन्हीं पॉइंटों पे हम सब लोग रुकेंगे, पहले वहां तक जाएंगे फिर उसके बाद में आगे चलेंगे, ये हमारा प्लान है। हम ये जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं ये किसान क्रांति गेट गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेंगे, वहाँ पर करीब 10, 10:30, 11 बजे तक अपना पहुंचेंगे, वहीं मीटिंग करेंगे और वहाँ से फिर आगे का प्लान बनाएंगे। जैसे ही दूसरे बॉर्डरों की स्थिति होगी उसी स्थिति के तहत हम अपना काम भी करेंगे। यूनियन के लोगों के साथ साथ क्या खाप चौधरी भी जाएंगे? ये कल का प्रोग्राम मेनली खाप चौधरी का ही है, यूनियन वाले भी जाएंगे, यूनियन वाले भी खापू से ही हैं और उन्हीं की ये कॉल है और खाप चौधरी भी इस प्रोग्राम में जाएंगे। तो यूपी के साथ साथ और किस कितने राज्य? ये हरियाणा से भी लोग आएंगे इसमें, पंजाब से भी रहेंगे, जो दिल्ली के चारों तरफ के लोग हैं, राजस्थान से भी इसमें आएंगे। तो आप अपने बॉर्डर के ऊपर ये सब लोग जाएंगे, वहां से ही ये एक साथ ही आगे बढ़ेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह के विरोध में बाबा रामदेव भी आए हैं, वे भी कह रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब तो रामदेव क्या, बाबा रामदेव क्या झूठ बोल रहे, वो ठीक है गिरफ्तारी होनी चाहिए। रामदेव बाबा ने जो महिला पहलवानों को भी आरोप लगाए, महिला पहलवानों पर क्या आरोप लगाए? अरे उन्होंने तो रिपोर्ट दर्ज करवाई है, रिपोर्ट दर्ज जिसके खिलाफ होगी उसकी गिरफ्तारी हो जाए। हमने बार बार ये कहा, ये लोग कहते हैं कि जांच चल रही, भाई पहले भी रिपोर्ट दर्ज होती थी, गिरफ्तारी होती थी, जांच बाद में हो जाती थी, अब भी गिरफ्तारी करके जांच कर लो, यही तो कह रहे हम भी। उसके साथ कहीं ना कहीं जिस तरह कल उद्घाटन होने से और भारत से चौली रह गई, कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बन सकती है। अरे देखेंगे कल तो आन दो, क्या पता क्या है भाई, कल तो आन दो। कितने लोग यहाँ मुजफ्फरनगर से जाएंगे ये नहीं पता अभी, कितने जाएंगे, गाड़ियों से जाएंगे। तो क्या वहाँ कुछ पंचायतें होंगी या खाली प्रोटेस्ट किया जाएगा? प्रोटेस्ट और पंचायत एक ही चीज होती है, वही होगी और महिला इसकी अगवानी करेगी कल के जत्थों की दिल्ली के चारों तरफ से। गिरफ्तारी को लेकर होगी या ये कुछ और? नहीं गिरफ्तारी को लेकर, किसानों के भी इशू है, गिरफ्तारी लेके है मेनली। तो ये जो पहलवान हमारे बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं, उन्होंने जो एलिगेशन लगाए हैं सांसद पे, उसकी गिरफ्तारी को लेकर ये कल का प्रदर्शन है। क्या मानता है गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? और भाई गिरफ्तारी नहीं हो रही, सरकार
सरकारी मेहमान नु को भाई तो खातर तवज्जा ही होगी। हाँ तो सरकारी मेहमान तो ही हो, इसीलिए गिरफ्तारी। संसद भवन का उद्घाटन भी है और पहली बार जो है संसद भवन में राजदंड रखा गया है, आपको पहले क्यों नहीं रखा गया और अब रखा जा रहा है? अब क्या पता भाई क्यों रखे, तो पॉलिटिकल सिस्टम है उनका, वे करेंगे इसको। उस पर भी विवाद हो रहा है कि राष्ट्रपति को करना चाहिए था प्रधान उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति के हाथ। हाँ ये होना चाहिए था। आप क्या मानते हैं? होना तो राष्ट्रपति को करना चाहिए, राष्ट्रपति को करना चाहिए, अध्यक्षता उन्हीं की होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी चीज का निर्माण है और वो किसी एक पार्टी का नहीं होता। लेकिन ये भी पता चला कि जब पहले ये बना तो इसमें भी शायद किसी उसने ही कर रहा था, ये एक विवाद का वो है। लेकिन राष्ट्रपति को करना चाहिए, इस तरह की कोई भी चीजें हैं तो राष्ट्रपति को ही वो करना चाहिए। यहाँ पर सब कुछ खुलकर सामने आ जाता है कि महिला पहलवान खिलाड़ियों का संघर्ष काफी लंबा चलता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में यहाँ पर सरकार को तो झुकना पड़ेगा और सरकार के यहाँ पर झुकने के तहत आप देखेंगे कि राकेश टिकैत सबसे बड़ा योगदान देते हुए नजर आ रहे। ऐसे में तमाम मुद्दे खुलते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों का लगातार जंतर मंतर पर बैठना, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उनकी सरकार का कोई ना बोलना, ऐसे में बड़ा एक्शन लेना बहुत जरूरी था जो राकेश टिकैत द्वारा महिला पहलवान खिलाड़ियों ने उठा लिया। अब यहाँ पर नए संसद भवन पर घेराव किया जाएगा। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कि नए संसद भवन का जो घेराव किया जाएगा वहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों का जत्था पहुँचने की कोशिशों में लगा है, तो क्या ऐसे पहुँच पाएगा, वहाँ पर इंसाफ मिलेगा, क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।